भूली महात्मा नाम का एक बहुत बड़ा डाकू है जो सभी को मारता है और उसे पूरी जनता परेशान है, तो मैं उसका समन करने जा रहा हूँ। पश्चिम की तरफ जहाँ बस घूम रही है ये अमलीमाल की गुफा है, और उसके दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये सुदत्त अनाथ। ये हम लोग आए हैं श्रावस्ती में, जहाँ पे ये जो है गुफा है अंगुलीमाल गुफा है, ये इस साइड है, और कच्ची कुटी वो सामने दिखाई दे रही है वहाँ पे है। ये हम लोग अभी देखेंगे इसको कि ये कैसे जो है कि बना हुआ है पूरा। ये देखिए अंगुलीमाल गुफा ऐसा है, इस तरह है पूरा, इसमें छोटा छोटा गुफा बना है। जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध जी से वो इसमें इस गुफा में रहते थे अंगुलीमाल, और वो कच्ची कुटी है, ये है कच्ची कुटी। इसके अंदर अभी हम लोग जाकर देखेंगे कि ये कैसा बना हुआ है। ये हम लोगों की बस है, इसी से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये कच्ची कुटी, ये सब ईटे से ही पूरा बना हुआ है। ये सब लोग जा रहा है देखने के लिए, यही बना हुआ है, ये कच्ची कुटी है श्रावस्ती में। धूप बहुत है यहाँ पे इस समय आने लायक, तो हमें लग रहा है कि नहीं सही है, थोड़ा मौसम ठंडा रहे तभी आने लायक। ये देखिए ये है कच्ची कुटी। इसके बारे में जान लीजिए। बता दे ये अनाथ पिंडक का निवास स्थान है। अनाथ पिंडक बौद्ध साहित्य में सबसे दानी व्यापारी रहा है, और इसका व्यापार उस समय सारे विश्व तक फैला हुआ था। समुद्र मार्ग से और थल मार्ग, दोनों मार्ग से इसका व्यापार होता था। इसकी कहानी आपको जब सिंह सेनापति राहुल संस्कृत्यांग की पढ़ेंगे उसमें भी उल्लेख आता है कि उसका व्यापार जो सिंह सेनापति जो रहा है उसी के व्यापार के माध्यम से वो गंधार जाता है और वहाँ भी शिक्षा ग्रहण करता है। अनाथ पिंडक का नाम मूल रूप से सुदत्त है। सुदत्त यहाँ का रहने वाला, श्रावस्ती का रहने वाला था, लेकिन उसकी ससुराल थी। एक बार वो अपने राजगृह अपने ससुराल गया था, देखा कि उसके साले और उसके जितने नौकर चाकर थे सब पता नहीं क्यों बहुत जोर शोर से तैयारी में लगे व्यस्त थे कि भोजन बना रहे हैं। तो पूछने पे बताते हैं कि भगवान बुद्ध आएंगे और उनके लिए भोजन दान तैयार हो रहा है, उनके भिक्षु संघ के लिए भोजन दान हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो सुदत्त सोचता है कि अरे इतना महान व्यक्ति कौन है, कौन बुद्ध हैं जिनके लिए कि पूरा मतलब कि पूरा उनका जो सिस्टम था उनके साले का, सब लोग उनके भोजन दान की तैयारी में लग गए। तो जब भोजन दान के बाद क्या होता है कि भिक्षुओं का ये परम कर्तव्य होता है कि पुण्यामोदन मतलब कि जो अन्न लिए हैं उसका अनुमोदन करें, अनुमोदन के माध्यम से मंगल कामना करें, देशना दें, धम्म की देशना दें। तो जब अनाथ पिंडक देशना सुनता है तो इतना प्रभावित होता है कि वो कहता है, संकल्प लेता है कि मैं भगवान बुद्ध को अपने श्रावस्ती बुलाऊंगा। तो भगवान बुद्ध को तो आमंत्रित कर देता है कि भगवान आप हमारे श्रावस्ती आइए, हैं? लेकिन उसके दिमाग में ये उथल पुथल चलता रहता था कि भगवान बुद्ध के पास 50,000 भिक्षु संघ का संघ है, इसके लोगों को हम रखाएंगे कहाँ। तो वो आता है वहाँ से, श्रावस्ती आता है राजगिरी से, और वो पूरे राजगिरी में खोजता, श्रावस्ती में खोजता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ कि भगवान बुद्ध को निवास किया जा सकता है। खोजते खोजते वो राजकुमार जेत का वन, राजकुमार जेत और उसका वन, जेत वन पसंद आया। तब राजकुमार
ये कच्ची कुटी जहाँ सब लोग हम लोग देखने आए हैं सभी को, ये सामने का दृश्य है, सारे ईंटे से ही बने हुए हैं। ये कई मंजिला जो है कि मकान बना हुआ था, आई समय जो है कि ध्वस्त होकर इस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखिए चारों तरफ भीड़ लगा हुआ है, ये पूरा घेरा हुआ है चारों तरफ से घेरा हुआ है। यहाँ पे फोटोग्राफर भी एक है जो सबका फोटो खींच रहे हैं। यह है अंगुलीमाल गुफा है, इसमें जो है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध जी से इसी में आकर वो रहते थे। ये पूरा खंडहर हो चुका है, पूरा टूट गया है। ये गुफा है, अभी दिखा रहे हैं कहाँ पे है। ये देखिए है, ये गुफा है, इसी में अंगुलीमाल रहता था। बिच्छू बनने के बाद वो यहीं पे रहते थे और वो